मुंबई कर हो जाए सावधान, अगले कुछ घंटों में होने वाली है तेज हवा के साथ भारी बारिश, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। आज महाराष्ट्र के कई जिलों के लिए जारी हुआ रेड अलर्ट, बारिश का सिलसिला जारी। महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव से पहले शुरू हुई रिसोर्ट पॉलिटिक्स, नेताओं को होटल ठहराने की तैयारी हुई शुरू। गोरखपुर से मुंबई जाने वाले यात्री कृपया ध्यान दें, 22 जुलाई तक कई ट्रेनें रहेंगी कैंसिल, कुछ ट्रेनों के टाइम में भी बदलेगा। मुंबई में बढ़े सीएनजी के दाम, अब किराया बढ़ाने की तैयारी में रिक्शा और टैक्सी चालक। लोअर परेल में रेलवे की कैंटीन में कर्मचारियों के खाने में मिला कॉकरोच, स्वास्थ्य को लेकर उठे सवाल। मुंबई टेनन केस में नियम के तहत मेयर शाह को शराब सर्व करने वाले पब मैनेजर भी हो सकता है गिरफ्तार। मुंबई में 3 महीने में बिना टिकट यात्रियों से 14 करोड़ रुपए से अधिक जुर्माना वसूला गया। मुंबई वालों के लिए गुड न्यूज, हाजी अली से वर्ली कोस्टल रोड वाया सी लिंक, 7 मिनट में होगा पूरा 10 किलोमीटर का सफर। मुंबई वर्ली हिट एंड रन केस में आरोपी महेश शाह को कोर्ट ने 7 दिन पुलिस रिमांड पर भेजा। पुणे में जीका वायरस का बड़ा खतरा, एक और संक्रमित मरीजों की संख्या 16 हुई। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बड़ी खबर, पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया, यूएई या फिर श्रीलंका में मैच कराने की करेगी मांग। मुंबई हिट एंड रन केस में देवेंद्र फडणवीस पर भड़के संजय राउत, कहा जो मृतक महिला है वो लाडली बहन नहीं। नागपुर में नशे में तेज रफ्तार में दौड़ाई कार, 2 लोगों की हुई मौत, 3 गंभीर रूप से घायल, इनकी उम्र 19 से 20 के साल। 12 जुलाई को अनंत राधिका की शादी के कारण मुंबई एयरपोर्ट पर लगने वाला है जाम, कल बड़ी बड़ी हस्तियों को प्राइवेट प्लान से लाया जाएगा। नागपुर की 281 स्कूल बसें हैं खतरनाक, खतरे में पड़ सकती है बच्चों की जान, बस मालिकों का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया तो आरटीओ लाइसेंस कर देगी कैंसिल। इस साल अब तक 2.5 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों की अमरनाथ यात्रा हुई पूरी। कठुआ आतंकी हमले में 20 संदिग्धों को हिरासत में लेकर हो रही है पूछताछ, सूत्रों के मुताबिक खबर। मुंबई में सोने चांदी के दामों में उछाल, सोना 73,420 रुपए तोला तो वही चांदी 95,500 रुपए किलो। उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से 52 लोगों की गई जान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट।